सुमीरे जैसे ही अपने रूम का डोर ओपन करती है, वैसे ही वो पर्सन उसके मुंह पर हाथ रख देता है। वो काफ़ी बुरी तरह घबरा जाती है। उस पर्सन ने अपना पूरा फेस एक मास्क से कवर किया हुआ था। वो सुमीरे को पुश करते हुए पीछे की तरफ ले जाने लगता है। सुमीरे उसे पीछे हटाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। आफ्टर सम मोमेंट जैसे ही वो पर्सन अपने चेहरे से मास्क हटाता है, वैसे ही सुमीरे की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो पर्सन कोई और नहीं, लियो था। वो काफ़ी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, कैसा लगा मेरा मजाक? सुमीरे बोलती है, आर यू मैड? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसे भला आखिर कौन मजाक करता है, बताओ मुझे? लियो बोलता है, लगता है तुम डर गई। आई एम सो सॉरी सुमीरे, मेरा तुम्हें डराने का इंटेंशन नहीं था, मैं तो बस हमारी स्क्रिप्ट में प्रेजेंट इस सेम सीन की प्रैक्टिस कर रहा था और कुछ नहीं। सुमीरे लिटरली बहुत गुस्से में थी। लियो समझ जाता है कि ये मजाक उसे महंगा पड़ने वाला है। वो कहता है, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो सुमीरे, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। सुमीरे बोलती है, अच्छा ठीक है, ये बताओ इतनी रात को यहाँ पर? लियो बोलता है, अरे हाँ, मेन बात बताना तो मैं तुम्हें भूल ही गया, कल शूट पर ऑफ डे है, तो इफ़ यू डोंट माइंड तो क्या हम कल एक साथ इस शहर को एक्सप्लोर कर सकते हैं? सुमीरे बोलती है, हाँ क्यों नहीं, मैं तो कब से ये करना चाहती थी और फाइनली हमें ये चांस मिल ही गया। लियो बोलता है, अच्छा ठीक है, तो कल मॉर्निंग में रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए टाइम पर आ जाऊंगा। ये कहते हुए वो वहां से चले जाता है। सुमीरे कल के ट्रिप के लिए लिटरली बहुत एक्साइटेड थी। वो जाकर बालकनी में खड़ी हो जाती है। वो खुद से कहती है, ये जगह सच में कितनी सुंदर है, यहाँ पर एक अलग ही तरह का सुकून है जो बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। वो काफ़ी देर तक वहाँ खड़े होकर एनवायरनमेंट को फील करती है और जैसे ही उसे नींद आने लगती है वो जाकर अपने बेड पे सो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सुमीरे ऑन टाइम उठकर रेडी होकर लियो का वेट करने लगती है, पर वही लेट हो जाता है। जैसे ही वो सुमीरे के डेस्टिनेशन को रीच करता है वो कहता है, आई एम सो सॉरी सुमीरे, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, चलो चलते हैं। और वो दोनों सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले वो दोनों एक एंशियंट आर्कियोलॉजिकल साइट पर जाते हैं जहां पर एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर के आज भी काफ़ी एविडेंस प्रेजेंट हैं। ये जगह सुमीरे को इतनी पसंद नहीं आती, लेकिन वो यहाँ की वाइब काफ़ी इंजॉय करती है। लियो से इस जगह के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। वो कहता है, मैं पहले भी यहाँ पर एक बार आया था, लेकिन तब मैंने इतना इंजॉय नहीं किया था। सुमीरे उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, शायद तुम जानते नहीं हो, हर इंजॉयमेंट का एक रीज़न होता है। और वो उसकी तरफ देखते हुए अपनी आई ब्लिंक करती है, कहती है, चलो आगे बढ़ते हैं। सुमीरे की ये आई ब्लिंक लिटरली लियो को दीवाना बना देती है। वो मन में सोचने लगता है कि आखिर ये कितनी क्यूट है। कुछ देर बाद वो दोनों उस जगह से फ्री होकर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। वो एक के बाद एक ऑलमोस्ट 5 to 6 प्लेसेस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसमें उन्हें काफ़ी मज़ा आता है। अब सीन चेंज होता है और हम ऑन द अदर हैंड यूकी और मित्सुओ को देखते हैं। वो भी सिटी को एक्सप्लोर कर रहे थे। यूकी तो काफ़ी इंजॉय कर रही थी, पर मित्सुओ को इतना मज़ा नहीं आ रहा था। यूकी बोलती है, तुम भी ना मित्सुओ कभी भी खुश नहीं होते हो। वो जवाब देता है, यार ये सभी प्लेसेस कितनी बोरिंग है, क्या हम किसी इंटरेस्टिंग जगह पर नहीं जा सकते जहाँ कुछ अच्छा देखने को मिले? यूकी बोलती है, अच्छा ठीक है, यहाँ पास ही में एक अम्यूजमेंट पार्क है, अगर तुम चाहो तो हम वहाँ जा सकते हैं। मित्सुओ कहता है, अच्छा ठीक है, वहीं चलते हैं, कम से कम वो जगह इन बेकार एंशियंट प्लेसेस से तो अच्छी ही होगी। और वो दोनों उस अम्यूजमेंट पार्क की तरफ निकल जाते हैं। मित्सुओ वहाँ पहुँच कर दो पासिस खरीदता है। यूकी और मित्सुओ फाइनली अम्यूजमेंट पार्क के अंदर एंटर करते हैं।
यहाँ की राइड्स सच में काफी अमेजिंग थी। यूकी बोलती है, अब बताओ तुम क्या करना चाहोगे जिससे तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। मित्सु बोलता है, देखो मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ आया हूँ, तुम जो चाहो मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। यूकी मित्सु को लेकर एक काफी बड़े झूले की तरफ जाने लगती है। मित्सुओ इतनी बड़ी राइड देखकर घबरा जाता है, पर लेकिन वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। वो दोनों जाकर कंपार्टमेंट में बैठते हैं। यूकी तो स्टार्टिंग से ही काफी एंजॉय कर रही थी। पहले मित्सुओ को थोड़ा डर लगता है, लेकिन बाद में वो भी राइड को फील करने लगता है। पूरे दिन में वो पहली बार एंजॉय कर रहा था। आफ्टर सम राउंड्स राइड एंड होती है। यूकी और मित्सुओ बाहर आते हैं। यूकी कहती है, अब बताओ तुम्हें कैसा लगा। मित्सु बोलता है, हाँ ठीक ही था, इतना भी कुछ खास नहीं। यूकी बोलती है, मित्सुओ कभी तो किसी चीज की तारीफ कर दिया करो, तुम भी ना, चलो जाकर कॉफी पीते हैं। और वो दोनों पास ही के एक कैफेटेरिया में चले जाते हैं। यूकी मित्सुओ से बोलती है, तुम वहां बैठो, मैं ऑर्डर देकर आती हूँ। यूकी जैसे ही ऑर्डर देती है, वो देखती है उसके ठीक बगल में लियो और सुमीरे खड़े हुए हैं। उन दोनों ने बस अपने फेसेस को थोड़ा कवर किया हुआ है ताकि उन्हें कोई एस सच पहचान न सके। यूकी बोलती है, हे गाइस तुम भी यहाँ पर। सुमीरे बोलती है, ये तो यूकी है। लियो कहता है, अरे आप भी यहाँ पर, लगता है आप भी हमारी तरह अपनी छुट्टी को एंजॉय कर रही हैं। यूकी बोलती है, हाँ मैं तो अपनी छुट्टी को एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन वो बैठा है पास में मित्सुओ बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहा है। मैं तो सुबह से उसे समझा समझा कर परेशान हो चुकी हूँ, क्यों ना तुम दोनों हमारे साथ चलो, क्या पता वो भी एंजॉय करना स्टार्ट कर दे। सुमीरे बोलती है, नहीं नहीं हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। यूकी बोलती है, इसमें डिस्टर्बेंस कैसा, प्लीज ज्वाइन अस, हमारा एंजॉयमेंट और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे कुछ और प्लान्स हैं तो कोई बात नहीं। लियो कहता है, कम ऑन सुमीरे चलते हैं ना, मजा आएगा। सुमीरे बोलती है, पर लियो बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता है और फाइनली सुमीरे मान जाती है। यूकी उन दोनों को लेकर मित्सुओ के पास जाती है। वो कहती है, देखो मैं किन्हें लेकर आई हूँ मित्सुओ। वो जैसे ही सुमीरे को देखता है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो कहता है, हाय गाइस तुम यहाँ पर। लियो बोलता है, हाय सर। मित्सुओ कहता है, डोंट कॉल मी सर आउटसाइड दिस सेट, वहां देना या फिर लेना बनता है, लेकिन बाहर हम नॉर्मली एक दूसरे को नाम से बुला सकते हैं, सो जस्ट कॉल मी मित्सुओ और मिस्टर सुआ। लियो जैसे ही ये बात सुनता है वो मित्सुओ के साथ काफी फ्रैंक हो जाता है। तो कहता है, अच्छा ठीक है मित्सुओ, तुम ये चाहते हो तो हम यही करेंगे। मित्सुओ ये देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। वो सोचने लगता है, मैंने तो इसे हाथ दिया था, इसने तो मेरा गला पकड़ लिया। कुछ ही देर में उनका ऑर्डर आ जाता है। वो अपनी बातें कंटिन्यू रखते हैं। यूकी बोलती है, तो बताओ तुम दोनों आज कहाँ कहाँ होकर आए। सुमीरे और लियो अपने आज का पूरा दिन यूकी और मित्सुओ को एक्सप्लेन करने लगते हैं। वो बताते हैं कि आज उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी जगहें एक्सप्लोर की। वो लगभग 15 मिनट तक बोलते ही रहते हैं। यूकी कहती है, काश तुम भी मेरे साथ इतना ही इंजॉय करते मित्सुओ, तो कितना अच्छा रहता। मित्सुओ बोलता है, यार वो प्लेसेस सच में इतनी बोरिंग थी कि मैं वहाँ क्या ही इंजॉय करता। लियो बोलता है, अच्छा ठीक है हम अपनी आज की एक फाइनल प्लेस पर जा रहे हैं, अगर आप दोनों चाहें तो हमारे साथ आ सकते हैं। यूकी बोलती है, मैं तो आ रही हूँ, और मित्सुओ तुम भी चल रहे हो। मित्सु कहता है, मेरा मन नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। यूकी मित्सुओ को काफी इंसिस्ट करने लगती है, लेकिन मित्सुओ मानने के लिए तैयार नहीं था। यूकी कहती है, देखो ना सुमीरे ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, तुम ट्राई करो, क्या पता तुमसे मान जाए। सुमीरे कहती है, तुम नहीं मना पाई तो मैं कैसे मनाऊंगी। यूकी बोलती है, ट्राई तो करो। सुमीरे बहुत मना करती है, लेकिन यूकी उसे बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने लगती है। और फाइनली सुमीरे मित्सुओ से इंसिस्ट करते हुए कहती है, प्लीज हमारे साथ चलो, बहुत मजा आएगा। और वो कहते हैं ना, प्रेमिका ने प्यार से अब जो भी कह दिया, बात तो माननी ही पड़ेगी।
मित्सुओ भी उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है और वो उस कैफेटेरिया के बिल्स पे करके वहां से निकल जाते हैं। लियो उन सभी को लेकर एक काफी ब्यूटीफुल प्लेस पर जाता है। वहां एक रिवर था, एक काफी प्यारा सा कैसल था जहां से बहुत अच्छा व्यू दिखाई दे रहा था और सच में इस जगह की वाइब नेक्स्ट लेवल थी। सुमीरे तो इस जगह को देखते ही वहां की दीवानी हो जाती है। वो कहती है, लियो आखिर तुम इन सब जगहों को जानते कैसे हो? सच में मैंने तो आज तक इन्हें इंटरनेट पर देखा तक नहीं है। लियो बोलता है, वो क्या है ना, जगहों को एक्सप्लोर करना पड़ता है, इंटरनेट पर देखना नहीं। सुमीरे उस जगह को फील करने लगती है, वहां के एनवायरमेंट को एंजॉय करने लगती है। यूकी बोलती है, देखो सुमीरे कितनी खुश है मित्सुओ। मित्सुओ कहता है, अच्छी बात है। कि तभी लियो सुमीरे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही मित्सुओ ये देखता है उसके चेहरे पर हल्का सा सिकंज आ जाता है। यूकी बोलती है, तुम इतना टेंशन में क्यों हो मित्सुओ? आई होप वो दोनों बस फ्रेंड्स हैं। मित्सुओ कहता है, वो दोनों चाहे फ्रेंड्स हो या फिर कुछ भी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस मेरे लिए इस फिल्म में काम करने वाले मेरे कलीग्स हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिल्म खत्म, बात खत्म। लेकिन मित्सुओ लियो को इस तरह सुमीरे के साथ देखकर खुश तो नहीं था। आज जब वो अपने घर पहुंचता है तब वो इस बात के बारे में काफी डीपली सोचता है। वो मन में सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, उसे आखिर क्यों बुरा लग रहा है जब सुमीरे लियो के साथ एंजॉय करती है, उसके साथ वाइब करती है। वो कहता है, मैं अपनी लाइफ को फिर से उस पॉइंट पर नहीं जाने दे सकता, मुझे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना होगा, मुझे अपने आप को रोकना होगा। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सुओ सेट पर काफ़ी अग्रेसिव था, वो पूरी कास्ट को बहुत ज़्यादा पुश कर रहा था। ये बात यूकी भी नोटिस कर रही थी, स्पेशली सुमीरे को वो कंटिन्यूसली टारगेट कर रहा था। वो सुमीरे को एक बार टोंट मारते हुए ये भी कह देता है कि आजकल एक्टर्स के अंदर स्पार्क देखने को ही नहीं मिलता, और ये बात सुमीरे को काफ़ी बुरी लगती है। फाइनली आज का दिन खत्म होता है, पैकअप हो ही रहा था कि यूकी मित्सुओ के पास आते हुए कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि आज तुमने सुमीरे के साथ बहुत बुरा बिहेव किया है? मित्सुओ कहता है, मैंने क्या किया, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। यूकी बोलती है, मित्सुओ देखो तुम्हें उससे पर्सनली जो भी प्रॉब्लम हो, मैं उसके बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहती, पर आई थिंक तुम्हें उससे जाकर माफी मांगनी चाहिए। जैसे ही यूकी ये बात मित्सुओ से कहती है उसे भी थोड़ा सा गिल्टी फील होने लगता है और वो सुमीरे के पास जाकर उसे सॉरी कहता है। वो बोलता है, आई एम सो सॉरी, शायद आज मैं कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गया। सुमीरे कहती है, तुमने सॉरी तो कहा लेकिन शायद बोलने में काफ़ी देर कर दी। उसने बोला कुछ लेकिन कह दिया बहुत कुछ। एनीवेज मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं, बाय। सुमीरे के ये वर्ड्स लिटरली मित्सुओ के दिल पर जाकर लगते हैं। वो भी वहाँ बिल्कुल नहीं रुकता और सीधा अपनी कार में बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही मित्सुओ घर पहुंचता है वो अपने आप को रूम में लॉक कर लेता है। लेकिन वो पूरी रात मित्सुओ बस अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए बिता देता है। उसे रियलाइज होता है कि वो कितना गलत था, उसने सुमीरे को बहुत ज़्यादा हर्ट किया। बस अपने बुरे थॉट प्रोसेस के चलते उसने सुमीरे को इतना लो फील करवाया। अब मित्सुओ को काफ़ी गिल्टी फील हो रहा था। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी सभी गलती के लिए सुमीरे से माफ़ी मांगेगा। उस रात मित्सुओ बिल्कुल भी नहीं सो पाता, वो मॉर्निंग में रेडी होकर सेट के लिए निकल जाता है। मित्सुओ जैसे ही लोकेशन रीच करता है वो देखता है सुमीरे ऑलरेडी वहां पर आ चुकी है। वो जाकर उससे माफ़ी मांगना चाहता था लेकिन वो कहते हैं ना, गलती करना आसान होता है, उसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल। वो उससे माफ़ी नहीं मांग पाता, शूट कैरी ऑन होता है। आज का दिन भी ऐसे ही निकल जाता है और मित्सुओ एक बार फिर उसी गिल्ट के साथ घर पहुंचता है। वो डिसाइड करता है कल इस बारे में सुमीरे से बात करेगा लेकिन फिर से नहीं कर पाता। ऐसे ही दिन कंटिन्यूसली बीते जा रहे थे। फिल्म की शूटिंग ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ आ चुकी थी। ये फिल्म इतनी बड़ी नहीं थी, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री टाइप प्रेजेंटेशन फिल्म थी। फिल्म की शूटिंग लिटरली बहुत अच्छी हुई थी और इस फिल्म के बीच में लियो और सुमीरे एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे।
सुमीरे को लियो ऐसा फ्रेंड काफी पसंद था, लेकिन लियो कहीं ना कहीं सुमीरे के लिए फील करने लगा था। वो भी डिसाइड करता है कि इस फिल्म की शूटिंग खत्म होते ही वो सुमीरे को एक बार अप्रोच जरूर करेगा। और फाइनली आफ्टर अ वीक इस फिल्म की शूटिंग खत्म होती है। मित्सुओ एक काफी लाउड वॉइस में बोलता है पैक अप पैक अप पैक अप, और वहां खड़े सभी लोग काफी जोर से चीयर करने लगते हैं। सब बहुत खुश थे। मित्सुओ इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए डिसाइड करता है कि कल एक काफ़ी ग्रैंड पार्टी रखी जाएगी और वहां पर सभी को आना है। सभी को आना है तो मतलब आना है। मित्सुओ जैसे ही आज अपने घर पहुंचता है वो सोचने लगता है कि कल सुमीरे से बात करने का उसके पास आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद वो जानता है कि कभी भी उसके दिल में इतनी हिम्मत आएगी ही नहीं कि वो सुमीरे से कॉन्टेक्ट करके अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग सके। उस रात का भी मेजर पार्ट मित्सुओ इसी बारे में सोचते हुए बिता देता है। मित्सुओ को ऑलमोस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग में नींद आती है और लगभग वो पूरा दिन सोता ही रहता है। शाम हो चुकी थी, पार्टी में जाने का टाइम हो चुका था। मित्सुओ की आंख खुलती है, वो रेडी होना स्टार्ट करता है। वो सुमीरे के फेवरेट कलर का आउटफिट पहनता है। कुछ देर बाद वो पार्टी डेस्टिनेशन रीच करता है। ऑलमोस्ट सभी लोग वहां पर आ चुके थे बस सुमीरे को छोड़कर। मित्सुओ वहां पर सुमीरे का वेट करने लगता है। कुछ देर बाद सुमीरे एक बहुत प्यारी सी ड्रेस पहनकर पार्टी में एंट्री करती है। जैसे ही सुमीरे वहां आती है सभी बस उसे देखते रह जाते हैं। उसके आते ही मेन सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है। सभी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। सुमीरे एज ऑलवेज पूरी पार्टी का सेंटर ऑफ अटेंशन थी। सभी बस उसी की तरफ फोकस कर रहे थे कि तभी एक सालों पुराना इंसिडेंट ऑलमोस्ट रिपीट होता है। मित्सुओ सुमीरे से बात करना चाहता था लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं आ पा रही थी। वो गार्डन में बैठा हुआ था। सुमीरे की नज़र मित्सुओ की तरफ जाती है। वो उसे काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था। वो मित्सुओ के पास जाकर बोलती है क्या बात है, काफ़ी सैड लग रहे हो। मित्सुओ बोलता है नहीं मैं तो ठीक हूँ। सुमीरे बोलती है अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मित्सुओ कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सुमीरे बोलती है अच्छा ठीक है तो मैं चलती हूँ। मित्सुओ थोड़ी सी हिम्मत लाता है। वो कहता है सुमीरे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुमीरे बोलती है कह दो इसमें इतना सोचना क्या। मित्सुओ की आंखों में आंसू थे। वो कहता है सुमीरे मैं अपनी उस गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन मैंने तुमसे जो भी कहा था वो सब झूठ था। मैं बस कई चीज़ों को लेकर परेशान था। उस वक्त जो भी चल रहा था उन सब ने मेरे माइंड को काफ़ी डाइवर्ट कर दिया और मैं जानता हूँ इन सब के बीच मैंने तुम्हें काफ़ी हर्ट किया था। हो सके तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मित्सुओ की आंखों में कंटिन्यूसली आंसू आ रहे थे। उस जगह पर ज़्यादा लोग तो नहीं थे और उन दोनों को कोई देख भी नहीं पा रहा था। सुमीरे इस तरह मित्सुओ को रोते हुए नहीं देख पाती। वो कहती है मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं थी मित्सुओ और ना कभी हो सकती हूँ। तुम मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहे हो और स्पेशल रहोगे। आई नो हर कहानी पूरी नहीं हो सकती इसलिए हमारी ये अधूरी कहानी भी काफ़ी अच्छी है। और सुमीरे ये कहते हुए वहाँ से जाने लगती है। मित्सुओ से रोकते हुए कहता है सुमीरे प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया है तो प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो और अगर नहीं किया है तो उसके लिए तुम्हारा इस तरह यहाँ से जाना ही काफ़ी है। सुमीरे भी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती और वो मित्सुओ को हक करते हुए कहती है जानते हो मैंने इस मोमेंट के लिए कितने साल वेट किया है। प्रॉमिस करो आज के बाद मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। और फाइनली हमारी इस स्टोरी के मेन प्रोटैगनिस्ट एक दूसरे से मिल जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपकी स्टोरी अगर कंप्लीट हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के चैप्टर्स भी खत्म हो गए हैं। पास ही में ऑस्टिन खड़ा था। वो सुमीरे और मित्सुओ को एक साथ देखकर बहुत खुश था। उसके दिल में आज भी सुमीरे के लिए उतना ही प्यार है लेकिन उसने ही अपने दोस्त एडवर्ड के साथ मिलकर ये सब कुछ प्लान किया। वो चाहता था कि मित्सुओ और सुमीरे एक बार फिर से मिल जाएं और उसके दिल में भी आज बहुत खुशी थी। यूकी भी वहीं खड़ी होकर ये सब देख रही थी। उसके हाथ में आज भी वही पेंडेंट था जिस पर लिखा हुआ था
आई लव यू मित्सुओ, वो उसे अपने दिल के पास लगाती है और वहाँ से चले जाती है। लियो भी सुमिरे और मित्सुओ के बारे में जानकर काफ़ी खुश होता है। उनकी फिल्म का रिलीज होता है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इसके बाद मित्सुओ और सुमिरे हैप्पीली एवर आफ्टर एक दूसरे के साथ रहते हैं।